देखिए आज हम बताएंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स मतलब जो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फाइंड तो हो गए थे, फाउंड हो गए थे साइंटिस्ट द्वारा, मगर उनका एक अपना अपना क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। किसी ने बताया कि किसी किन किन प्रकार से हमें ये दिखते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसके चीज़ के अंदर होते हैं, एटम्स कैसा दिखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करे वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने, तो हमें कुछ बताया गया। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ दिस सब एटॉमिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो मैंने बताया जो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर होता है, उनकी नॉलेज से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल अपने तैयार किए और वो समझाए मीटिंग में। पहला था थॉमस मॉडल ऑफ एटम, दूसरा था रदरफोर्ड और तीसरा था बोहर्स मॉडल। ठीक है, ये साइंटिस्ट के तीन साइंटिस्ट के नाम हैं और इनके सब मॉडल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मोस्ट ट्रस्टेड साइंटिफिकली एस्टेब्लिश मॉडल कौन सा था, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो करा गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम द डेल्ट इन हायर क्लासेस, जो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मॉडल था जिसको आज तक हम मानते हुए हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मगर अब हम बताएंगे हमारे सिलेबस में थॉमसन ने मॉडल दिया और वो कैसे ना पास हुए। ठीक है, दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहलाया, वाटरमेलन। उन्होंने क्या बताया कि भाई वाटरमेलन में जैसे बीज दिखते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट है वो वाटरमेलन का हरा बाहर का पार्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीज की तरह धंसे हुए हैं। वहाँ प्रोटॉन के बारे में क्या हुआ देखो, अब इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्पेयर मेड अप ऑफ प्रोटॉन सेम एज सीड्स ऑफ द वाटरमेलन एंड इन रेड एडिबल पार्ट्स ऑफ द वाटरमेलन। यानी कि जैसे कि पॉजिटिव स्पेयर पॉजिटिव जो उन्होंने वो चार्ज लिए, उनको उन्होंने सरकमफ्रेंस पर मार लिया पॉजिटिव चार्ज को, और निगेटिव चार्ज को उन्होंने माना अंदर को, कट कर दो। ठीक है,